हिंद पेंशन भोगियों ओआरओपी पर पीआईबी की तरफ से जो लेटर इशूड हुआ था उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक और बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पेंशन भोगियों अथवा पेंशन धारकों के लिए निकल के आ गई है। काफी हमारे पेंशन धारक डाउट में थे कि हमें कितना एक्सपेंडिचर दिखाया जाएगा, जो टेबल आएगा उस कब से कब तक मिलेगा, कितना करोड़ मिलेगा, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या रहेगा, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, कब से मिलेगा, सबसे बड़ा कि कब से पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो सही और सटीक जानकारी के साथ हम मौजूद हो गए हैं सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी। भूतपूर्व सैनिक को बता दें कि जो पीआईबी ने 24 दिसंबर को नोटिस जारी किया था वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी इंप्लीमेंटेशन टेबल इशूड जो किया था पीआईबी ने ओआरओपी 2 का, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे शॉर्ट नोटिस निकल के आ गया है जहाँ पे पेंशन धारकों को मिल पता चल जाएगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किसको कितना फायदा होने वाला है। और ये खबर कितनी मतलब सत्य है क्योंकि आपने देखा ही था कि ये जो खबर निकल के आई थी उसका पेपर में भी छपा था, देख सकते हैं आप कि रिविजन ऑफ पेंशन अंडर ओआरओपी फ्रॉम जुलाई 19 क्लियर। यहाँ पे बता दें कि जो हमारे पेंशन धारक और पेंशन भोगी ने फायदा उठाया था पिछले बार ओआरओपी 1 में तकरीबन 20 लाख था लेकिन अब 25 लाख पेंशन भोगी अपना बेनिफिट उठाने जा रहे हैं। मतलब कैबिनेट पेंशन डिसीजन टू बेनिफिट 4.5 लाख न्यू बेनिफिशरीज को ऐड किया गया है, मतलब न्यू बेनिफिशरीज मतलब नए पेंशन धारक को जोड़ा गया है। और यहाँ बता दें कि एस्टिमेट जो इस बार होने वाला है वो है आपका तकरीबन 25,000 करोड़ का डिसबर्समेंट होने वाला है, हमारे पेंशन भोगियों के बीच में बटने वाला है ये राशि। अब बता दें कि ओआरओपी की जो अपडेट इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है कि हमारे कहना है हमारे पेंशन भोगियों का कि सर जो लेटर निकल के आया था उसमें हमारे जो पेंशन धारक व पेंशन भोगी हैं उसमें जो सबका एरियर बन रहा है उसमें सबसे कम हवलदार का है, जो आप देख सकते हैं तकरीबन इनका 1,30,000 या 1,20,000 होना चाहिए था क्योंकि 87,000 सिपाही का है, 1,14,000 नायक का है, लेकिन यहाँ सिपाही का सबसे कम है जो कि सिपाही जो नायक हवलदार होते हैं या हवलदार होते हैं जो लोकल हवलदार होते हैं उनको इतनी सारी ड्यूटियों से गुजरना पड़ता है जो कि आपके समक्ष मैंने रख दिया, आप देख पाएंगे कि पूरा ड्यूटी है ए टू जेड, लेकिन हमारे हवलदार को यहाँ पे कम ओआरओपी 2 बन रहा है। काफी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों ने अभी भी हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके शेयर भी करें ताकि आपको हमेशा ऐसे ही अपडेट्स ओआरओपी के रिगार्डिंग मिलते रहे। और हमेशा आपको चाहे ECHS हो या कैंटीन से रिलेटेड हो या फिर पेंशन पोर्टल से हो या स्पर्ट्स पोर्टल से हो या किसी भी तरीके से आपका ओआरओपी का हक हो या फिर हित हो या किसी भी तरह का न्यूज हो, सबसे पहले आपको सरल और सटीक सूत्र में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आप आज ही हमारे चैनल पर जुड़े ताकि आपको ऐसे ही अपडेट से हमेशा मिलते रहे। और सबसे ज्यादा बेनिफिट आपने देखा किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, तो हवलदार को नहीं हो रहा है, और सबसे ज्यादा बेनिफिट तो फिर सुधार मेजर को ही होगा क्योंकि रैंक में भी बढ़े, लेकिन हमारे पेंशन भोगियों के बीच जो न्यूज आई थी मैंने सब कुछ आपको बता दी। आशा और उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।